नमस्कार, पुलिस की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज। शिवपुरी के नरपर कृषि मंडी प्रांगण में करैरा विधायक रमेश खटीक ने तहसीलदार अमित दुबे के साथ बैठक ली, जिसमें मंडी समिति के अधिकारी कर्मचारी क्षेत्र के किसान व्यापारी व हम्माल मौजूद रहे। विधायक रमेश खटीक ने पौधारोपण कर किसानों के हित में कदम उठाते हुए कहा कि मंडी में किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराए, किसानों से खरीदी गई फसल की तोल सही हो और समय पर फसल का भुगतान करे। फसलों की तुलाई के नाम पर कुछ अनाज हम्माल लेते थे, वे बंद करके तुलाई का भुगतान बढ़ाने पर विचार किया। साथ ही मंडी प्रांगण सीसी सड़क का लाइट और व्यापारियों के लिए दुकानें जैसी कई समस्याओं पर चर्चा कर समाधान करने की बात कही। इस बैठक में भाजपा कार्यकर्ता, जन प्रतिनिधियों और विधायक खटीक के द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों ने शामिल होकर पौधारोपण किया। शिवपुरी ब्यूरो अतुल जैन की रिपोर्ट। उसके लिए हमने व्यापारियों को भी तैयार किया। व्यापारी जो है 3.5 की जगह 7 रुपए देने तैयार है, ठीक है। किसान 5 की जगह 6 रुपए देने तैयार हैं, जो पहले 8.5 मिलता था, अब 6 और 7 13 रुपए देने तैयार हैं। इस पे कुछ माल चले गए तो हमने कि नहीं आया तो दूसरे नहीं लगा। मतलब ये है कि आपने ज्यादातर किसानों के हित में चोरी को रोकने, होने वाली चोरी को रोकने के लिए आपने कदम उठाया, और यहाँ पे जो असुविधा थी उनके जो किसानों की थी, कैंटीन होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, और व्यापारियों की थी यहाँ पर दुकानों के लिए आवंटन होना चाहिए, वो भी व्यवस्था प्रोस्टिंग में डाला और वो व्यवस्था आप 1-2 दिन में चालू, 1 हफ्ते में चालू। किसान से कितने काट सकते, 1 रुपए किसान से बढ़ा दो, ठीक है ना, और है ना तसलिया बंद करा दो। हेलो सुन लो किसान से नियम पूरे मध्य प्रदेश में 5 रुपए है, तो आप 6 रुपए किसान से कर लो, ठीक है। और व्यापारी लोग आप कितने दे दिए इन्हें, 3.5 तो 4 दे दो यार, क्या जी 10 रुपये सुन रहे कि नहीं। हेलो, अब किसान पे तसलिया नहीं चले, 1 रुपया बढ़ा देते। अपन सब बैठ गए, देखो किसान अपना ही है, तुम भी किसान हो भाई सर, ये तसलिया अगर कोई ने चलाई तो हम कार्रवाई, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं नहीं चल रही, अपनी नहीं चल रही है बस। बाप